नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बायस्कोप में आप सबों का स्वागत है। धनबाद के पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल की मुश्किलें अब बढ़ती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि एसीबी ने प्राक्कलन घोटाले और आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर घंटों उनसे पूछताछ की है। हम आपको बता दें कि 14वें वित्त आयोग की तरफ से स्वीकृत 200 करोड़ रुपए राशि की योजना के प्राक्कलन राशि में कमीशनखोरी और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का उनके ऊपर आरोप है, जिसे लेकर एसीबी के अधिकारियों ने घंटों उनसे पूछताछ की है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से, आपको बता दें इससे पहले एसीबी रांची की टीम ने नगर निगम कार्यालय में 2020 में घंटों छापेमारी कर कई दस्तावेज जब्त किए थे, और जब जांच आगे बढ़ी तो इस मामले में पूर्व मेयर और तत्कालीन नगर आयुक्त को एसीबी की टीम ने आरोपी बताते हुए अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस दिया था। घंटों पूछताछ के बाद एसीबी के डीएसपी नितिन खंडेलवाल ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं हम आपको। ये नगर निगम धनबाद के ऊपर एक प्राक्कलन घोटाला के संबंधित जांच चल रही है, उसी संबंध में आज उनको नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। नहीं तो वो तो देखिए जांच का विषय है, वो तो प्रश्नोत्तर जो है वो तो हम आपसे शेयर नहीं कर सकते, लेकिन बुलाया गया तो उसी लिए। एक जांच चल रही है नगर निगम में प्राक्कलन घोटाला के संबंध में, निगरानी विभाग उसकी जांच कर रहा है, तो उसी के संबंध में उनको बुलाया गया था और उनसे उन्हीं बिंदुओं पर जो जो बिंदु थे उन पर उनसे पूछताछ की गई है। तो एसीबी की टीम ने घंटों चंद्रशेखर अग्रवाल से, पूर्व मेयर से पूछताछ की, और उसके बाद पूर्व मेयर ने पूछे जाने पर यही बताया कि एसीबी के सवालों का जवाब वो पिछले 6 महीनों से दे रहे हैं। उन्होंने खुलकर कुछ भी कहने से हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन इतना जरूर कहा कि जांच चल रही है और उन्हें एसीबी की जांच पर पूरा भरोसा है। निष्कर्ष क्या निकला है तो एसीबी वाले बताएंगे, और जांच चल रही है, हम लोग उसमें सहयोग कर रहे हैं। किन किन मुद्दों पर पूछताछ की है? पिछले 6 महीने से काफ़ी चीज़ों के बारे में पूछताछ हो रही है, उनके काफ़ी पत्र आ रहे हैं, उसके हम लोग जवाब लगातार दे रहे हैं। उनके काफ़ी पत्र आ रहे हैं, उसके हम लोग जवाब लगातार दे रहे हैं।